नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 लव लाइफ और मैरिड लाइफ की दृष्टि से कैसा रहेगा। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सर्वप्रथम वर्ष 2024 के मिथुन राशि वाले जातकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी के मनोरथ सिद्ध करने वाला हो। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको गोचरी स्थिति और ग्रह स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान कर देते हैं। सबसे पहले अगर गोचर की अगर बात की जाए तो गोचर में 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो ग्रह स्थिति के बारे में तो राहुदेव पूरे वर्ष पर्यंत आपकी राशि से दशम स्थान में और केतुदेव आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में और शनिदेव आपकी राशि से भाग्य स्थान में गोचर करते हुए रहने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज लाएगी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस वर्षफल 2024 को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला भाग जो है तो वो आया था स्वास्थ्य परिवार धन संपत्ति की स्थिति से कैसा रहेगा वर्ष 2024। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके पश्चात भाग दो हम लाए थे, वो था शिक्षा व्यापार नौकरी की स्थिति से कैसा रहेगा वर्ष 2024 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी आप जो देख रहे हैं वो है लव लाइफ और मैरिड लाइफ की दृष्टि से कैसा रहेगा वर्ष 2024 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे लव लाइफ की दृष्टि से कैसा रहेगा। देखिए लव लाइफ की दृष्टि से एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस वर्ष 2024 की अर्ध छमाही जो है वो काफी अच्छी आपको प्रेम जीवन की दृष्टि से देखने को मिलेगी। आपके प्रेम और आपकी प्रेमी के साथ रिश्ते काफी अच्छे रहेंगे और साथ ही आपको लव पार्टनर की जो तलाश थी वो भी इस वर्ष पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपके लिए काफी अच्छे फायदे इस वर्ष आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही एक चीज का विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि इस वर्ष आप जिस तरीके से अपनी लव लाइफ को ले जाना चाहेंगे, जिस तरीके से आप जो है अपनी लव लाइफ को जिस मुकाम तक पहुंचाना चाहेंगे आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुरूप से पूरा कर पाएंगे। यहां पर ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल हमें बनती हुई नजर आ रही है। आपका पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, आपका पार्टनर भी आपको मन मुताबिक ही मिलेगा और आपके रिश्तों में आपको काफी हद तक सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। रिश्तों में आपको काफी हद तक नजदीकियां प्राप्त होगी और आपका पार्टनर जो है आपके लिए काफी हद तक लॉयल भी रहेगा। ये आपके लिए काफी हद तक फायदेमंद स्थितियां इस वर्ष पर्यंत हमें बनती हुई नजर आ रही है और काफी अच्छे परिणाम हमें बनते नजर आ रहे हैं। वर्ष 2024 में लव लाइफ की दृष्टि से आपको काफी बढ़िया परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और एक चीज में विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए आपके कह रहा हूं कि अगर आप पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा धोखे खाए हुए इंसान हैं, लेकिन इस वर्ष आपको धोखा नहीं, आपको सच्चा प्रेम प्राप्त होने वाला है, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं अगर देखा जाए मैरिड लाइफ की दृष्टि से तो दाम्पत्य जीवन में इस वर्ष आपको काफ़ी हद तक एन्जॉयमेंट देखने को मिलने वाला है। इस वर्ष आपको काफ़ी हद तक अपने पार्टनर के साथ रिश्तों में अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। जो लड़ाई झगड़े पहले चल रहे थे वो दूर होते हुए नजर आएंगे और साथ ही एक फ़ायदा आपको ये और ज़बरदस्त प्राप्त हो जाएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके पार्टनर या आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में आएगा जिसकी वजह से आपका और आपके पार्टनर के साथ रिश्ता काफ़ी हद तक बहुत अच्छा तरीके से और भी ज़्यादा गहराइयों को पहुंच जाएगा। मेरी लाइफ में यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, किसी नए सदस्य का आगमन होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके लिए फायदेमंद इस वर्ष 2024 की स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही है और उसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। ये वर्ष जो है वैवाहिक जीवन की दृष्टि से काफ़ी बढ़िया उम्दा परिणाम आपको मिथुन राशि वाले जातकों देने वाला है। और एक आप चीज़ का ये विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कुछ राहु की दृष्टि आपके वाणी के घर पर बनी हुई है, तो थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपकी वाणी के कारण कुछ हो सकता है, आपके लड़े झगड़े थोड़े बढ़ सकते हैं। इसके अलावा और कुछ दूसरी चीजें मुझे बनती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो लव लाइफ की दृष्टि से भी वर्ष अच्छा है और मिड लाइफ की दृष्टि से भी अच्छा है। मई महीने के बाद थोड़ा सा कंक्लूजन या कंफ्यूजन की स्थिति आपको क्रिएट होती हुई नजर आएगी, थोड़ा क्वेश्चन मार्क कुछ चीजों पर लगेगा। तो सही तरीके से अच्छे माइंड से उन विचार कीजिएगा, उन क्वेश्चन का जो आंसर है या फिर जो परेशानियां प्राप्त होगी तो उनका निदान क्या रहेगा, ये सच्चे और अच्छे दिमाग से आप सोचिएगा। शांत दिमाग से आपको अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। उपाय के तौर पर अगर देखा जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, अगर आप लव लाइफ और मैरिड लाइफ की दृष्टि से दोनों ही दृष्टि से मुझसे उपाय पूछेंगे तो यहां पर
आप गणपति महाराज का बुधवार के दिन का उपाय करिए, आपको फायदेमंद स्थितियां देखने को मिलेगी। गणपति महाराज को बुधवार के दिन मोदक का भोग लगाइए और साथ ही दुर्वा अर्पित कीजिए। और आपकी एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि जिन लोगों का मिथुन राशि वाले जातकों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस वर्ष 2024 में आपके वैवाहिक जीवन में बनने का योग मई महीने तक बना हुआ है। आप चाहे तो मई महीने तक अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं, उसके पश्चात 13 महीने तक या यूं समझ लीजिए कि एक वर्ष तक आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस एक वर्ष में ऐसे 2 महीने आएंगे जिसमें आपको योग बनेगा आपके वैवाहिक जीवन में बनने का, इसके अलावा पूरे वर्ष आपको योग बनता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आप अपने मनोरथ को सिद्ध करना चाहते हैं, मनचाहे स्त्री से या पुरुष से आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर आप अपने वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो गणपति महाराज की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उपाय जो बताया है उनको दुर्वा अर्पित करें और मोदक का भोग लगाए आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हरे मूंग का दान भी कर सकते हैं, आपके आखा मूंग जो होते हैं उनका दान करने से भी आपको अच्छी चीजें प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और विशेष तौर पर एक और यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आपकी मैरिड लाइफ में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, मैरिड लाइफ में आप जो है बहुत ज्यादा प्रसन्नता का माहौल देखना चाहते हैं, सुख का माहौल देखना चाहते हैं, समृद्धि देखना चाहते हैं, तो आप गणपति महाराज की आराधना करने के साथ साथ पन्ना भी आप अपने इस छोटी उंगली में धारण कर सकते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और विशेष तौर पर एक ध्यान ये रखें कि अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके गुरुदेव बृहस्पति के बाद जो है राहु की पूरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर रहेगी, जो वाणी का घर होता है उसकी वजह से समस्याएं क्रिएट होती हुई नजर आएगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या उपाय अच्छे रहेंगे, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी, सारे कन्फ्यूजन अगर आप दूर करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए तो आपको सारी चीज़ों का निदान प्राप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री नाथ, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।